एक रेस है, डोगर प्रदेश के रहने वाले लोग डोगरा कहलाते हैं। डोगरा कोई धर्म विशेष नहीं है, कोई जाति नहीं है। तो इस इंसिडेंट को एक सोची समझी साजिश के तहत मैं समझता हूं कि ये दिखाया गया, एक नरेटिव क्रिएट किया गया जो कि डोगरा इमेज, जो कि एक बड़ी सेकुलर इमेज मानी जाती है, उसको डेड पहुंचाया गया। क्योंकि और हमारे जो डोगरा जो हैं, मुझे लगता है कि उनके साथ, उनके जज्बात के साथ भी जो है वो खिलवाड़ किया गया। और अल्टीमेटली कुछ लोगों का एक पक्ष आया और उस पक्ष को रिपेल करने के लिए दूसरे पक्ष का दूसरा स्टैंड आया। फेम करने के लिए, डीफेम करने के लिए जम्मू के लोगों को, जम्मू की संस्कृति को, जम्मू के रिलीजियस जो उनका माइंड सेट है उसको इन्होंने तार तार कर दिया। जम्मू के लोग प्रेम करने, प्यार करने, मोहब्बत करने रोंदे, ये नहीं कम्युनिटी ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम बनाना, इस किस्म की उनकी दुनिया के अगे इमेज पेश करना कि ये लोग जड़े ने कम्युनल न, ये कुसा एक रिलीजन करने का संबंध रखते हैं और उदे ले ये फैनेटिक न, बड़ी गलत गल। पॉलिसीज जितनी भी कश्मीर में अलगाववादी हैं, उन्होंने सारे कुछ दंड बेद काम सब कुछ वो करके देखा है, लेकिन उनको पता है कि ये डोगरा लोग जो हैं ये ऐसे नहीं जाएंगे, ये बड़े स्वाभिमान वाले लोग हैं। बड़ा एक कंपोजिट कल्चर है जी एंड के का। मैं सिर्फ जम्मू की बात नहीं करूँगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख को भी अगर आप ले लें तो बड़ा कंपोजिट कल्चर है। तो हमारे को हमारे को डिफेम किया गया, हमारे को हर पॉइंट पे डिफेम किया गया। हम अपने कल्चर को इसके साथ जोड़ रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर कहा जाता है। और मंदिरों के शहर के में, और जहाँ डोगराज की बात करें तो डोगराज में पर्टिकुलरली हिंदू नहीं आते, डोगराज में सिख, ईसाई और हिंदू सब आते हैं। कि ये जो डिफेमेशन की गई अगेंस्ट डोगराज को, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा झटका है और बहुत टाइम लगेगा हमारी इमेज को दोबारा बनने में, क्योंकि एक प्रोजेक्शन ही ऐसी की गई कि डोगरादार सपोर्टिंग रेपिस्ट। कम्युनिटी को यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, जम्मू की जो मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम डोगराज पाए जाते हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो जिन्हें मिठे डोगरे हैं ना, तो उन्हें कूड़े भी हैं, तो दिखने आगे क्या होता। बाकी कोशिश साड़ी है, निकी निकी कोशिश करते रहने। डोगरों की शान कल भी बरकरार थी और आज भी बरकरार है। हालांकि डोगरों को डिफेम करने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन सच कभी नहीं छुपता।